दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लेके आए हैं एक नई वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे मैं जितनी नई वीडियो डालती रहूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। आज हम बनाएंगे पालक के पराठे। पालक के पराठे बनाने के लिए हमने ये पालक लिया है, ये हमने 200 ग्राम पालक लिया है, फ्रेश पालक लिया है। इसे हम अब धो लेंगे। हम पालक को धो लेते हैं अच्छी तरह से। आपको फ्रेश पालक लेना है। पालक के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं खाने में भी। इसको हमने अच्छे से धो लिया है, पालक हमारा धुल गया है। अब हम इसे उगाल लेते हैं। गैस पर मैंने पानी चढ़ा दिया था, अब इसमें इस पालक को डाल देते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए उगालना है। जब तक इसमें थोड़ा उगलने लग जाए तब पानी, तब इसको ढक देंगे। जब तक इसे ऐसे गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा पालक उगलेगा तब हम अपना मसाला बना लेते हैं। हमने मिक्सी का जाल ले लिया है और इसमें हम पराठे का मसाला बना लेते हैं। इसमें हम धनिया डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। 3-4 हरी मिर्च ले लिए, छोटे पीसों में काट के डाल देते हैं। और 4 लहसुन की कलियाँ लिए, इनको डाल देते हैं। और थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और इसको नमक डाल के थोड़ा सा इसे पीस लेंगे। थोड़ा सा ही नमक डालना है और उसमें 2-3 चम्मच दही ऐड कर देनी है। वैसे हम पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। वैसे हम पीस लेते हैं। हमारा मसाला पीस गया है, पानी गर्म हो गया है, इसे हम ढक देते हैं। तो 5 मिनट के लिए ढक्के छोड़ देंगे और पालक हमारा पक जाएगा। 5 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। हमारा पालक हो गया है, अब इसे ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पर। पालक भी ठंडा हो गया था, अब हमने इसे पीस लिया है। अब हम लगाएंगे डो। हमने ये डो ले लिया है 2 कप के करीब। मैंने आटा ले लिया है 2 कप के करीब। अब इसमें हम आटा लगाएंगे। इसके लिए हमने आटा ले लिया है। आटे में हम डालेंगे नमक। नमक अपने आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमने जो मसाला बनाया था उसको हम इसमें ऐड करेंगे। पहले सबको मिक्स कर लेना है हाथ की सहायता से अच्छे से। इससे बहुत टेस्ट बढ़ जाता है पराठे में, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। आप इस तरह से जरूर बना के देखना, ये मसाला जो है इससे बहुत टेस्ट बढ़ जाता है पराठे में। तो अब इसे, अब इसमें हमने जो पालक पीसा था उसे डाल देंगे। हमने पालक डाल दिया है, तो पहले हम पालक को भी इसमें मिला लेते हैं। पानी की ज़रूरत होगी तो बाद में मिलाएंगे, फिर हमारा आटा पतला हो जाएगा। फिर अच्छी तरह हाथों की सहायता से सबको उसमें अच्छे से मिला लेना है। पालक को भी मिला लिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ज़रूरत के हिसाब से और हम डो लगा लेंगे। डो यार टाइट और सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छे से लगा लेना है। आटा हमारा लग गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। 2-3 चम्मच है उसके ऊपर हम घी लगा देंगे, जिसे थोड़े क्रिस्पी से बनेंगे। अब इसे अच्छी तरह घी के साथ मल देते हैं। हमारा आटा रख के तैयार हो गया है, इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। हमारा आटा सेट हो गया है, अब हम पराठे बना लेते हैं। हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया। हम इसके पेड़े बना लेते हैं, तो ऐसे करके पेड़े बना लेंगे गोल के। ऐसे से दबा के वो आटे में थोड़ा सा आटा डाल लेते हैं थोड़ा ऊपर से, फिर इसे बेल लेते हैं बेलन की सहायता से हल्के हाथ से। इसे हमें बेल लेना है। अब हम इस पर घी लगा लेंगे। आप ऑयल कुछ भी ले सकते हो, मैं घी का यूज़ कर रही हूँ।
वैसे पूरे फैला लेना अच्छे से ये, और फिर इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। फेदर भी इस पर घी लगा लेना है, फिर से इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है। फिर थोड़ा सा आटा इसको फिर डाल लेना है, और फिर इसे हम बेलन की सहायता से इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए इसे बेलते हुए चलना है, और फिर इसे थोड़ा सा आटा फिर डाल लेते हैं, और इसे फिर हम बेल लेते हैं। हमारा अपना बेल गया है पराठा, अब इसको हम उसे सिकने देते हैं एक तरफ से। इसे पराठा बनाएंगे हम, इसे चौकोर पराठा बनाएंगे। इसे भी इस तरह से गोल बेल लेना है, फिर इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है, घी मतलब आप जो भी यूज़ कर रहे हो इसको लगा लेना है। फिर इसे इस ऐसे फोल्ड करना है, आधा फिर आधा इधर से फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर घी लगाना है, फिर आधा इधर से फोल्ड करना है, फिर आधा इधर से फोल्ड करना है। तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डाल के इसे हम बेल लेंगे। सिक गया है हमारा पराठा, हल्का सा जल भी गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसको इस पर हम घी लगा देंगे। अब पलट के दूसरी तरफ से भी इस पर घी लगा देंगे। दोनों तरफ से इस पर घी लगा देना अच्छा से, और ये किस्म घी से क्रिस्पी बनेंगे। तो अब घी का यूज थोड़ा सही करेंगे, देखो अच्छे से इसे दबाते हुए सेक लेना है, दबाते हुए इसे सेक लेना है पराठे को। अब से उधर तरफ से दबाते हुए इसे सेक लेना है। पराठा हमारा अब तक सिक रहा है, या तो हम ये चौकोर वाला पराठा बना लेते हैं। आपको जो तरीका पसंद आए, जो इजी लगे, आप उस तरह से बना सकते हो पराठे। दोनों ही इजी हैं, चौकोर भी इजी है और तीन कोने वाला भी इजी होता है, मगर आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हो। अब ये भी हमारा पराठा बिल गया है, ये हमारा पराठा सिक गया है। अब इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। ये दूसरा हमने बेला था चौकोर पराठा, इसको तवे पर डाल देते हैं और इसको भी सिकने देंगे अच्छी तरह से। अब इसे हम पलट देते हैं, तरफ सिक गया है, और इस तरफ हम इस पर घी लगा लेते हैं। इस चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से घी लगा लेना है, और दूसरे पलट देना। इस तरफ से भी हम इस पर घी लगा देंगे, दबाते हुए सेक लेना है, दबाते हुए भी सेक लेना है। इसे भी हम प्लेट आउट कर लेते हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। निकाल देते हैं, अब हम चलेंगे सर्विंग की प्रोसेस पर। तो हमारे पराठे सिक्के तैयार हो गए, एक हमने तिकोना बनाया था, एक हमने चौकोर बनाया था, दोनों पराठे हमारे सिक गए। आप जो भी शेप देना चाहो दे सकते हो। देखो हमने दही किया और चाय से सर्व किए, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आप ज़रूर बना के देखना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो मैं वीडियो डालती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन, और मेरी चैनल को मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस तब तक के लिए बाय, टेक केयर।